साल की शुरुआत से ही हरियाणा में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। वहीं जिला अम्बाला में भी कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि जिला में कोरोना के 4 एक्टिव मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2 मरीज हाल ही में विदेश से वापस लौटे थे, जिसमें से एक 76 वर्षीय बुजुर्ग प्राइवेट अस्पताल में एडमिट है। वहीं नारायणगढ़ की रहने वाली एक महिला भी कोविड पॉजिटिव पाई गई है। इसके साथ ही बाहर से आने वाले लोगों पर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी नजर बनाई हुई है और लक्षण मिलने पर कोविड टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए कोविड के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनील हरि ने बताया कि जिला में कोरोना के 4 मामले सामने आए हैं। हमारे जिला अम्बाला के अंदर 7 माह बाद जून 2023 के बाद कोरोना के जो कल पहले केस मिले हैं, और ये दोनों केस अम्बाला शहर इलाके से हैं, और ये दोनों एक ही परिवार के केस हैं, जिसमें एक 36 ईयर जो मेल हैं और एक 14 साल के फीमेल हैं, और जो कि US और उनकी कैनेडा की ट्रैवल हिस्ट्री है। उनको जो परिवार के 5-6 सदस्य जो हैं कैनेडा और US से ट्रैवल करके आए थे, और उसके साथ में ही उनका जब मतलब उनको सिम्टम आए और वो हमारे पास टेस्ट के लिए उन्होंने मतलब आए, और टेस्ट के अंदर जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, और उनका जो टेस्ट है आगे जीनोमिक सीक्वेंसेस के लिए दिल्ली भेज दिया गया है। सर, इसकी स्वास्थ्य विभाग किसके लिए पूरी तैयारियां कर रहा है? देखिए, जैसे करीब 20 दिसंबर से ये आ ही रहा है कि देश भर के अंदर कोरोना के मामला, या दक्षिण भारत के अंदर जो कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है, तभी से जो है कोविड के जो सैंपल्स हैं वो कभी भी जिला अम्बाला में बंद नहीं किए गए। लेकिन 20 दिसंबर से जो है सैंपल्स की संख्या बढ़ा दी गई है। जो भी कोई खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द और निमोनिया जैसे लक्षण के साथ हमारे शासकीय अस्पतालों में या फिर प्राइवेट अस्पतालों में आ रहे हैं, तो सभी हमारे चिकित्सकगण हमारे टच में हैं, और सभी जो तैयारियां जो हैं वो हमारी पूर्ण रूप से हैं। सभी सैंपल्स किए जा रहे हैं, RT-PCR, सभी जो हैं तैयारियाँ पूर्ण रूप से हमारी पूर्ण है। वो हमारे टच में हैं और हमारे चिकित्सकगण जो हैं उनसे मतलब लगातार उनके संपर्क में हैं, और वो होम आइसोलेटेड में, और बोथ ऑफ देम आर स्टेबल। अम्बाला की किस एरिया में था? देखिए, अम्बाला शहर है सर, और अम्बाला शहर ही इसमें ही रहता है कि ठीक है हम उनकी पहचान को। आज भी जो है, जैसे आज भी अम्बाला शहर के अंदर 2 नए कोविड पॉजिटिव पेशेंट आए हैं, जिसमें एक पेशेंट जो है नारायणगढ़, डेरा नारायणगढ़ से हैं, 21 साल के फीमेल हैं वो, और इसी तरह से एक पेशेंट जो है प्राइवेट अस्पताल में दाखिल है, 76 ईयर जो मेल है, 76 ईयर मेल कोविड पॉजिटिव पाए गए। आज के हिसाब से तो 4 एक्टिव मरीज हमारे पास हो गए, कल और 2 आज। हाँ जी, अब हमारे पास 4 एक्टिव मरीज जो हैं हो गए हैं कोविड के, तो चारों को घर पे आइसोलेट नहीं, एक जो है वो प्राइवेट अस्पताल में है हमारे पास। गौरतलब है कि कोविड मामलों में लगातार तेजी देखी जा रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। ऐसे में बाहर से आने वाले लोगों पर स्वास्थ्य विभाग अपनी नजर बनाए हुए है और हर एक व्यक्ति के कोविड टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।